Now, after separating my panels, what I have to do next is I have to mark my pockets. तो ये मेरे पास एक rough draft पड़ा हुआ है आप लोगों को बस एक basic information देने के लिए कि pocket का function किस तरह हम बनाएंगे और वो कैसे applicable होगा. अब फिर इसके लिए मेरा ये एक panel था, ठीक है, ये मेरा panel था. अभी ये original form में अभी मैंने कुछ mark नहीं किया. मैं क्या करूँगी, मैं इस panel को यहाँ तक cut कर दूँगी, एक measurement लेके उधर मैं इसको cut कर दूँगी. मैं इसको वहाँ कट करूँगी और मैं नीचे वाले पैनल को ना ट्रेस करके यहाँ तक कट कर दूँगी. इस मतलब इससे मैं एक और पैनल एक्सट्रैक्ट करूँगी. जिस तरह देखें, इसको मैंने कट किया इतने पे और जो नीचे वाला है उसको मैं पॉकेट की जितनी मैंने लेंथ है वहाँ तक कट किया. देखें यहाँ तक आ गया तकरीबन, ठीक है, यहाँ तक आ गया. अब ये मेरी पॉकेट बन गई है, ठीक है. अब मुझे इस पॉकेट को फिक्स करने के लिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ एक और लेयर देनी पड़ेगी जो इधर आएगी, जिसके साथ मेरी पॉकेट स्टिच होगी, मतलब वो पाउच बनेगा ना, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे तो नहीं स्टिच कर सकती कोई, अंदर इसके अंदर पाउच देंगे तो वो ये स्टिच होगा ना. तो फिर यहाँ पर एक पाउच बनेगा और ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा फ्लैप आ जाएगा पॉकेट का. तो अब हमने ये सारी चीज़ें सबसे पहले इसके ऊपर बनानी है, फिर हम आराम आराम से वन बाय वन अपने पीसेस सेपरेट कर लेंगे. अब मैं अपने इसी पैनल के ऊपर सारी चीज़ें पहले मार्क करूँगी, फिर वन बाय वन निकालूंगी. तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मेरा जो ऊपर वाला पीस होगा वो कितना नीचे से कट होगा. तो उसके लिए मैं उसको 8 सेंटीमीटर तक लेंथ उसकी रख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से भी 8. अब ये वाला पीस यहाँ तक कट होगा. अब जो मेरा नीचे वाला पीस ऊपर तक जाएगा वो हम तकरीबन रख लेते हैं. अच्छा, अब इस पीस में अलाउंसेज ऐड है तो इसमें अलाउंस ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसके बाद हम इससे ऊपर चले जाते हैं ऑलमोस्ट 18, ठीक है, अपनी पॉकेट की पाउच की डेप्थ बनाने के लिए. तो अब यहाँ से भी मैं 18 जा रही हूँ. अब जैसे कि हम सबको पता है हमारी पॉकेट में ना थोड़ी सी हमने ईज ऐड करनी है. ईज हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जब हमारा हाथ जाना है हमारे पॉकेट के अंदर तो वहाँ हमारे पास ईज होनी चाहिए. तो ईज ऐड करने के लिए आप ये करेंगे कि हम अपने इस वाले पॉइंट से जो हमारा ये वाला मार्क है हम 1 सेंटीमीटर तक ना बाहर चले जाएंगे, या हम इधर से चले जाएंगे या हम स्लैब के ऊपर से चले जाएंगे. अब मैं इसके ऊपर मार्क करने लगी हूँ अपने 3 सेंटीमीटर का स्लैब, पॉकेट स्लैब के ऊपर. ये मैंने मार्क कर लिया स्लैब और नीचे वाले के अंदर 1 सेंटीमीटर की मैंने अलाउंस भी देनी है जो मेरा नीचे वाला पैनल आ रहा है ना. अब मैं इधर से 1 बाहर जाऊँगी लाइक दिस. अब ओके 1 ही है, ठीक है, ये मैं 1 बाहर गई और मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट में ज्वाइन कर दूंगी. किस पॉइंट के साथ मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक ले जाऊंगी, अपने नीचे वाले पॉइंट के साथ ले जाऊंगी इस वाले. एक मिनट, मैं आप इसको यही करूंगी कि मैं इसको यहाँ से स्ट्रेट ज्वाइन करूंगी जितना मेरा पाउच आ रहा है और जहाँ तक मुझे ईज ऐड करनी है. तो मैं इसको अब सीधा ज्वाइन करने लगी हूँ, मेरे पिंपल को लेंथ के साथ ज्वाइन कर लिया. ये हो गया मेरे पास. अब मैंने ये करना है, अब मैंने इनमें से अपने पीसेस को बारी बारी सेपरेट कर लेना है. तो इसको तो चले मैं इसी पे इस वाले पीस को मैं यहाँ तक कट कर दूँगी. तो अब मैंने क्या क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, सबसे पहले मैंने नीचे वाला पीस एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ तक इस 1 की अलाउंस तक. ठीक है, अब एक पीस मुझे चाहिए अपनी इस अलाउंस तक यानी यहाँ तक, ठीक है. एक पीस मुझे चाहिए ये जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, ये वाला स्क्वायर बॉक्स है,
ये चाहिए और एक मुझे बस फ्लैप चाहिए, तो मैं बारी बारी इन पीसेस को निकाल लूँगी। और डोंट फॉरगेट टू मार्क द ग्रीन लाइन एंड ये वर्टिकल लाइन, जो हिप लाइन है, कहीं भी जोन से भी लाइन आ रही है। तो सबसे पहले मैंने अपना कैलिको का एक पीस लिया और उस पर मैंने तकरीबन 12 सेंटीमीटर अंदर जाके ना मीट कटे हुए एज से, जिस तरह हम भाट के एज लेते हैं उस वाले एज से, मैंने 12 अंदर जाके ग्रीन लाइन मार्क कर लिया। अब मैं जैसे मैंने पहले किया था, मैं ग्रीन लाइन को ग्रीन लाइन के ऊपर प्लेस करूँगी बहुत नीटली। एक पेन मैं इन बिटवीन लगाऊंगी और फिर इस वाले एज के साथ एक पेन। ठीक है, यह मेरा पीस डन हो गया। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले तो अपनी ये वाली हिप लाइन मार्क करूंगी, जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैंने जो नीचे वाली लाइन्स है ना, वो सारी इस पर ट्रांसफ़र करनी है। और इस चीज़ का याद रहा है कि मैंने जो ये वाला एक्सटेंडेड पॉइंट है ना, मैंने ये लेना है, मैंने ये वाला पॉइंट नहीं लेना। जो मैंने वन बाहर निकाला है ना, वो जितना आ रहा होगा मुझे उसे उतना लेना। देखिए सबसे पहले मैं सीधी लाइन लगाती हूँ जो नीचे आ रही थी मेरे पास। ये देखें, ये वाली लाइन सबसे पहले मैंने लगा ली है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो 1 सेंटीमीटर का अलाउंस था वो मार्क करना है। अब मैंने देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ रहा था जो मैंने बाहर निकाला हुआ है, अब मैंने इस पॉइंट को मार्क करना है। देखें पहले बेशक ओरिजिनल को भी कर लें, मैं सारे पॉइंट ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और उनको ज्वाइन कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल को कर लेती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट था। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा एक्सटेंडेड पॉइंट आ रहा था। ये हो गई मेरी मार्किंग। अब दूसरी साइड पे जिस तरह हमारा स्ट्रेट पैनल आ रहा था, मैं बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग ले लूँगी। देखें सेम उसी तरह नीचे अपनी हेमलाइन मार्क करें और फिर 4 सेंटीमीटर का अलाउंस मार्क करें। और अब एक और चीज़ का याद रखें, यहाँ पे जब 2 मार्क करना है ना, तो इस पे नहीं मार्क करना, जो हमने बाहर निकाला हुआ है ना उस पे मार्क करना है। तो इधर से बाहर 2 पे चले जाएं। हो गया इस तरह मार्क करूँगी, यहाँ पे भी मैं 1 का अलाउंस दूंगी और मेरा एक पीस डन है। इसके बाद मैं अपना इसके नीचे वाला पीस पाउच निकालूंगी और फिर फ्लैप बनाऊंगी नेक्स्ट डेमो में।